हेलो फ्रेंड, मैं रचना गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ अपने फूड चैनल जायका आपका और हमारा में। फ्रेंड, हम सबको मेयोनीज तो बहुत ही अच्छी लगती है, तो आज मैं इसको और हेल्दी बनाते हुए मेयो वेजी सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। हम मेयो सैंडविच बना रहे हैं तो हमें मेयोनीज तो चाहिए ही फ्रेंड्स। तो मेयोनीज की रेसिपी मेरे चैनल में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक भी दे दूंगी। मेयो सैंडविच बनाने के लिए हमने एक बोल ले लिया है। इसमें हम 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई प्याज डाल रहे हैं, 1 टेबल स्पून टमाटर डाल रहे हैं, 1 टेबल स्पून शिमला मिर्च, 1 टेबल स्पून गाजर, 1 टेबल स्पून हरी प्याज ले रहे हैं। वेजिटेबल हमने सब बारीक बारीक काटी हैं, और इसके अलावा आप अपने पसंद के हिसाब से इसमें कॉर्न, पनीर, बंदा गोभी, कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं। थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे, अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हो तो थोड़ी सी हरी मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, थोड़ी सी चिली फ्लेक। अब हम 2 टेबल स्पून मेयोनीज डालेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। अब हम एक ब्रेड लेंगे। ब्रेड में पहले हम थोड़ा सा घी या बटर लगा देंगे। अब ब्रेड में अपनी फिलिंग लगाएंगे। हम फिलिंग को अच्छे से फैला देंगे। फिलिंग हमने लगा ली है। अब इसके ऊपर से एक दूसरी ब्रेड रखेंगे। सैंडविच सेकने के लिए हमने तवा चढ़ा दिया है। इसमें पहले घी या बटर हम लगा देंगे, फिर हम अपनी सैंडविच रखेंगे। इसको स्लो फ्लेम में क्रिस्प होने तक सेक लेंगे। ऊपर भी थोड़ा बटर या घी लगा देंगे। अभी एक तरफ से हमारी हो गई है, हम पलट कर दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं। सैंडविच दोनों तरफ से अच्छी क्रिस्प सेक गई है। फ्रेंड्स, हमारी सैंडविच बिल्कुल क्रिस्प तैयार हुई है। ये देखिए, इसकी आवाज़ सुनिए, बिल्कुल क्रिस्प पता लग रही है। अब इसे हम काट कर सर्व करेंगे। अब हमारी सैंडविच तैयार है, इसे गर्मा गर्म एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपकी कोई भी क्वेरी या कोई भी सुझाव हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको भी कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।